दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू पुजारी सरपंच। आप देख सकते हैं इलाहाबाद महाराजगंज रोड पे एक व्यक्ति भूखा प्यासा एकदम बैठा हुआ है। उसके लिए कुछ लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं जैसे पकावा चावल किसी घर में बच जाता है तो लोग फेंक देखते हैं, और सिर्फ पकावा चावल रोडकारी फेंका हुआ है और बिन बिन खा रहे हैं। आप देखिए भूख ऐसी चीज होती है, देखिए क्या खा रहे हैं सर, पता नहीं। देखिए चावल है, आप देख सकते हैं। भूख ऐसी चीज होती है दोस्तों, कोई भी बड़ा इंसान कोई भी छोटा रहता है, लेकिन भूख ऐसी होती है रोड पे लाग कर देते हैं दोस्तों। ज़िंदगी कब किसकी मोड़ पे कोई क्या हो गया कोई जानता नहीं। हम इनके लिए दोस्तों जो भी था हमने देखा, हम लोग जा रहे थे कहीं, इनको देखा ऐसे हम गए दुकान से जो भी खरीद लाया, इनको खिलाने चल रहे। लीजिए इसको खाइए, राइस बनवा के गए दोस्तों कि हम लोग खा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं खा सकता, इसीलिए देखिए लीजिए खाइए। देखिए पहले जर्क रहे दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है दोस्तों, कभी भी किसी दोस्तों कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कोई भी ऐसा ना समझे कभी भी किसी की, कहीं भी परमात्मा किसी भी मोड़ हालत ला के छोड़ सकते हैं। इसीलिए सभी भाई बहनों को निवेदन करता हूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा रहे उसको हेल्प करना चाहिए, मदद। कहाँ आपके घर है? घर कहाँ है आपका? ठीक ठाक है, अच्छा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिनको थोड़ा पानी भी पिला दें, उसको पहले खा लो उसके बाद तब पानी पियो। दोस्तों जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, कभी भी किसी मोड़ पर रास्तों में ये किसी हालत किसी के ऊपर हो सकती है, इसीलिए दोस्तों किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, चाहे वो अंधा हो चाहे कोई लंगड़ा हो चाहे कोई हो, उसके ऊपर हंसना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की दोस्तों ये चावल बिन रहे थे, जो पकावा चावल था लोग किसी ने कोई फेंक दिया था उसको उठा उठा खा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा है अगर ये चावल बिन बिन खा रहे हैं तो मैं इनको कुछ ऐसा चीज़ खिलाऊँ इनके पसंद के। हमारे दिन में दोस्तों मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन हमने इस राइस को हमने बनवा के इनके लिए लाया है, क्योंकि इनकी पसंद चावल बिन बिन खा रहे हैं। फेंक दीजिए इसको, क्या लिए हो इसको, इसको फेंक दीजिए सर। हाँ
और खाओगे? दोस्तों ऐसे सबको मदद करना चाहिए, कोई भी पैसा इंसान हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दोस्तों जिस दिन हमको परमात्मा उस ढंग बना देंगे, मैं तो बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूँ जहाँ भी हमारी नज़र रहेगी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं हमेशा सब खिल करूँगा। अभी तो मैं छोटा बहुत बच्चा इंसान हूँ, हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, मैं काम करता हूँ, काम करके जहाँ भी देखता हूँ मैं जाता हूँ, बेजुबानों को इंसानों को मदद करता हूँ। तो दोस्तों भूख ऐसी चीज़ है, कहीं भी किसी रास्ते पे आपको देख सकते मदद करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं सोनू पुजारी सर्पमित, आप देख सकते हैं इतने भूखे थे कि जो चावल पकाया रहता, जो घर में बचा रहता, वो रोड पार उस पार कोई फेंका था तो उनकी निगाह पहुंची तो चावल बिन बिन खा रहे थे। तो दोस्तों ऐसे सभी को आप सबको मदद करना चाहिए। ऐसे धर दीजिए, हाँ इसको आराम से, हाँ आइए थोड़ा पानी पी लो। और उसके बाद इसके खाने के बाद चिप्स है, ये नमकीन है, ये सब बिस्कुट है सर, इसको आप खाना। दोस्तों देखिए, मैं सोनू पुजारी सर्पमित, सभी माता बहनों भाई को मैं सभी कह रहा हूँ, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी काना कोतर हो, उससे आप भेदभाव मत करिए, दिल से लगाव करिए, क्योंकि हमको कभी परमात्मा कितना भी खूबसूरत रहे कभी भी हमको किसी रास्ते पे लाके छोड़ सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है हिंदुस्तान में हमको सबको धर्म बचाओ मदद करना चाहिए। मैं सोनू पुजारी सर्पमित, जय हिंद जय भारत।